अनंत कोटि ब्रह्मांड राधा वल्लभ रसिक बिहारी असीम एवं परम पूज्य गुरुदेव राधे कृष्ण की कृपा से यह सुंदर सौभाग्य हमको और आप सभी को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले ग्रामवासियों को प्रणाम, शहरवासियों को प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम, छोटे छोटे भाइयों एवं छोटी छोटी देवियों को प्रणाम तथा उनके आशीर्वाद। प्रिय आत्मा परम गर्दे आज ही कथा का शुभ आरम्भ हो रहा है। अगर कथा बोलते समय किसी प्रकार की त्रुटि या शब्द त्रुटि हो तो आप अपना अबोध बालक समझ कर हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि सारी कथा जो कुछ भी मुझे मालूम है वह सब आपकी कृपा का ही प्रभाव है। आपका छोटा घर स्त्री पुरुष बच्चे जितने भी हैं ये सभी के सब पृथ्वी लोक के देवता हैं, स्वर्ग के नहीं, स्वर्ग के देवता, पृथ्वी लोक के देवता, 84 लाख भूमियों पर जो शासन करता है। हमारा आपका जो स्वामी है उसी की मधुमयी कथा को कर्णपुटों के माध्यम से हृदयंगम करना भगवत प्राप्त और स्वर्ग प्राप्त होती है। भगवान सुख स्वरूप तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परम पिता परमात्मा जगदात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और परमात्मा हमारी और आप सबकी बुद्धि को सत्मार्ग में प्रेरित करें। आत्मा एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि श्रीमद् भागवत क्या है, तो विष्णु जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी से भक्त भागवत श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास हरी के भगवत भाव को महापुरुष को उसकी रचना से ही सांस मिली। काम कर्म निष्काम कर्म साधन ज्ञान सिद्ध ज्ञान साधन भक्ति साध भक्ति वैदिक भक्ति प्रेमा भक्ति मर्यादा मार्ग अनुग्रह मार्ग जैत और जैत और जैत और जैत आज सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा
अधिक मतभेदों का समन्वय करने वाला बस यह महान ग्रंथ एक ही है। इस भागवत की महिमा का क्या कह जाएंगे। आत्मा आत्मा की खुराक है, एक भगवान का भजन। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु उत्तर दिया कि ऐसे में सर्व
अद्भुत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। व्यास जी वो संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ से लौट जाइए। लेकिन व्यास जी नहीं लौटते हैं, व्यास जी आगे चले जाते हैं। तभी वहाँ एक कुंड था, उस कुंड में स्त्रियाँ स्नान कर रही थी। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से जाने लगे, तब उन्होंने पर्दा नहीं किया। जब व्यास जी वहाँ जाने लगे तब उन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया। तभी व्यास जी ने पूछा कि स्त्रियों कि जब मेरा पुत्र सुखदेव मुनि जा रहा था तब आपने पर्दा क्यों नहीं किया, और जब मैं जा रहा हूँ तब आप पर्दा क्यों कर रही हैं। इसका उत्तर स्त्रियाँ देती हैं कि हे व्यास जी, आपका पुत्र सुखदेव मुनि भगवान है। भगवान के अंदर कभी स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं होता है, और आप एक मनुष्य हैं, इंसान हैं। आपके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का ही भेदभाव है। तो प्रिय आत्मा, अब कथा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। नैनी से सूत मासीनम विवाद महामतिम कथा मित जसा स्वागत कुशला सौन को ब्रवीत कुशला सौन को ब्रवीत। प्रियात्मा, एक बार नैनी सारा क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि अज्ञान दांत वेदंत सूर्य कोटि समाप्तवा सूता साय कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। प्रियात्मन, सनक जी बोले, सूत जी आपके ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत सागर्भिक कथा कहिए। प्रियतम, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासाक्षो वैष्णवे क्रियते कथम वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले उन महान विवेक की वृद्धि और सिद्धि किस प्रकार होती है, तथा वैष्णवे लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। यो गोरे कलो प्रायो जीवशा सुरतांगतः लेसा प्रांतशितश्चैव शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम्। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विभुद केशों से अक्रांत इन जीवों को वायु शक्ति शुद्ध संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। प्रियात्मन, अब कथा सूत जी शुरू कर देते हैं। और ये चल कहाँ रहा है, ये हो रहा है नैम सारायण क्षेत्र में। प्रियात्मन, नैमि सारायण क्षेत्र है कहाँ? नैमि सारायण क्षेत्र लखनऊ में है। प्रियात्मन, अब कथा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। परिचिते कथा व्याक्तुम दबायाम संसिते सुखे सुराकुम्भम वेत्तैव देवास्तत्र समागमन देवास्तत्र समागमन। प्रियात्मन,
सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। क्या लेकर आए? अमृत का कलश। तब उन्होंने कहा कि हे सुखदेव मुनि, यह अमृत का कलश राजा परीक्षित के लिए है, इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उसके बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। लेकिन सुखदेव मुनि ने ऐसा नहीं किया। कसुधा का कथा लोके मणिर महान सम्मरा तो विचार तदा देवान सदा देवान जिहास। आत्मन सुखदेव मुनि कहते हैं कि कहाँ काच अब कहाँ मऊ मौल्य मरी कहाँ कथा, ऐसा कहकर देवताओं की हंसी उड़ा ली। आत्मन एक दाई विशालायाम चत्वार ऋषियो मलह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। अब एक बार विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, ये चार भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये एक बार विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। तब नारद जी से पूछते कि कथम ब्रह्मन्दीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आत्मन वे चारों निर्मल ऋषि कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंता तो कैसे हैं और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानी शून्य चित्तोऽसि कद्वित्तो यथा जनम् तवेदं मोक्त संगस्य नोचितं वद कारुणम् नोचितं वद कारुणम्। कहते हैं कि आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आप विस्तार से हमें अपने दुख का कारण बताइए। कि आत्मन अब नारद जी अपने दुख का कारण बताते हैं। अहम तो पृथ्वी या तो सर्वोत्तम पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी बताते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझकर यहाँ पर आया, पर यहाँ पे पुष्कर प्रयाग काशी नासिक हरिद्वार आदि हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं ते तु अन्नम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्तथा। प्रियात्मन नारद जी कहते हैं कि यहाँ पे हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुवन आदि कई तीर्थों पे मैं भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। ना पश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण जलेयं बाधिताधुना जलेयं बाधिताधुना। आत्मन नारद जी कहते हैं कि
भ्रमण करता रहा तब पर भी मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांत नहीं मिली। मैं चलता गया। ये गोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरतांगतः इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विध प्रेतों से अप्राप्त इन जीवों को दैवी शक्ति संपन्न शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अब नारद जी चतुर्थी मैं भ्रमण करते करते यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां पे मैंने एक आश्चर्य देखा कि वहां पे एक युवती स्त्री अपने दो पुरुषों को लेकर बैठी हुई थी और उसके दो पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हुए लेते हुए थे। आत्मा कभी वो उसे सचेत करने का प्रयास करती तो कभी उनके सामने बैठकर रोने लगती। तब नारद जी से वो कहती है, तो वो साधु संतिष्ठ मा चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं सर्वथा गहरं परं। महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो कई पापों को नष्ट करने वाला है। तब नारद जी उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और ये तुम्हारे पास कमल नामी देवियाँ कौन है? तो युवती स्त्री बोलती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता मो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर जरो काल योगेन जर जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं और ये कमल नामी देवियाँ गंगा आदि नदियाँ हैं। ये मेरी सेवा करने के लिए आई हैं और ये दोनों मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। मैं कर्नाटका में बड़ी कहीं कहीं सम्मानित हुई। गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ गया। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं पूर्ण तरुण हो गई हूँ। लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। तब नारद जी अपनी ज्ञान दृष्टि से देख कर बताते हैं कि भक्ति मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा हूँ कि इस कलयुग में सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य का नामो निशान तक नहीं है। नारद जी कहते हैं कि देवी जब तुमने पूछा है तो ध्यान से सुनो कि जब श्री कृष्ण जी द्रौपदी की कौरवों से रक्षा किए थे और गोप सुंदरियों को समाप्त किया वो श्री हरि कहीं चले थोड़े ही गए हैं। आत्मन अब सुखदेव मुनि सूत जी बताते हैं कि जो फल तपस्या योग्य से नहीं मिलता कलयुग में वो फल हमेशा श्री हरि कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अब कथा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि
भक्ति, तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों को सचेत करूंगा। तब नारद जी प्रण ले लेते हैं उन दोनों पुत्रों को सचेत करने का। आत्मा, अब नारद जी कई वेद शास्त्र मंत्र पढ़ डालते, लेकिन उन्होंने एक यज्ञ नहीं पढ़ा जो श्रीमद् भागवत महात्म, जिसको हम आप सभी को इस समय हम सुना रहे हैं, उन्होंने यह नहीं पढ़ा। और ज्ञान बना के तो उठे थे, पर आलस्य के कारण वो फिर लेट गए। अब नारद जी उनको सचेत करने का पता ढूंढते ढूंढते जाने लगे। तभी ऊपर से भगवान ने एक आकाशवाणी की। आकाशवाणी ने ये कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, तो तुम्हें ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कौन सा यज्ञ है जो नारद जी को करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि नारद जी चले जाते हैं और वो कई ऋषि मुनियों से पूछते हैं। कोई तो कह देता कि सीधे सीधे इसका जवाब ही नहीं है, मिलना मुश्किल है। कोई तो अपनी बातों उलझा उलझा कर चला जाता था। फिर नारद जी एक बार विशालापुरी में गए। एक दाई विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता तद्विश्वस्तत्र नारदम तद्विश्वस्तत्र नारदम। अब वहाँ एक बार विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। तब नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब आप ही बताइए कि यह कौन सा यज्ञ है इसे करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तभी ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप तो महात्मा हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं, आप सन्यासी हैं, आपको ये भी नहीं पता। तब बताते हैं कि यह एक ही यज्ञ है, श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ। इसको सुनने से आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अब नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, बताओ यह कब और कहाँ होगा। तब ऋषियों ने बताया कि ब्राह्मण देवता, यह अब हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर होगा। अब नारद जी उन चारों निर्मल ऋषियों को लेकर वहाँ चले जाते हैं और श्रीमद् भागवत शुरू हो जाती है। वहाँ पे कई पहाड़, नदियाँ, तालाब, ऋषि मुनि अपना अपना भेष बदल कर स्त्री पुरुष के रूप में आते हैं और कथा श्रवण करते हैं। आत्मा, सातवें दिन वहाँ पे एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर तरुण अवस्था को प्राप्त हुए वहाँ पे प्रकट हो जाती है और नृत्य करने लगती है। भक्ति सुतौ भक्ति सुतौ तरुण गृहीता प्रेम करूप सहसावीरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तीना मान्य मोर वदंती। भक्ति वहाँ पे अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो जाती है और नृत्य करने कहने लगती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आप सब हमारे साथ भगवान के पावन नामों का उच्चारण कीजिए। आइए मिलकर करते हैं।
अच्युतं केशवं रामं।